जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे आज अचानक कैसे? चलिए बाबूजी, बाहर चलते हैं। लंबी कहानी है, बताता हूँ। अरे मुन्नी को भी साथ लाए? क्यों, स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है बेटा? नहीं, स्कूल तो चल रहा है पर ये जा नहीं पा रही है, तभी तो। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे और ये इसने अपने नाक पर काला काला क्या बांध रखा है? चलिए बाबूजी, बताता हूँ। अरे 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 कब से चल रहा है ये सब? क्या सब बाबूजी? यही सांस की बीमारी कब से चल रही है? आइए। कब से चल रहा है ये सब बेटा? क्या कहें बाबूजी, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि कब इसने ये रोग पकड़ लिया। अच्छा किया बेटा जो तू यहाँ आ गया, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा तुम इसे उतार दो और यहाँ की खुली हवा में सांस लो, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। उतारो बेटा। नहीं बाबूजी, ये सारी कालिख और धुआं तभी तो पैदा होता है जब किसान लोग धान की कटाई के बाद धान के बचे हुए अवशेष को खेतों में ही जला देते हैं। नहीं बेटा कुलदीप, हमारा कल्लर माजरी पूरे पटियाला जिले में एकमात्र ऐसा गाँव है जहाँ के किसान कभी पराली नहीं जलाते और इसीलिए यहाँ की आबो हवा एकदम साफ है। खैर तुम्हारी मर्जी। पिछली 2-3 सर्दियों से बहुत दिक्कत हो रही थी। सर्दियों की शुरुआत होते ही आसमान भूरा पड़ जाता है और हवा में काली काली सी गंदगी फैल जाती है। सांस लेना दूभर हो गया है। ये बात तो है। इस बार तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, कहने लगे इसे कहीं बाहर ले जाओ वरना इसकी जान को खतरा है। ठीक ठाक पहुंच गए? चल खोल दे इसे, मुंह हाथ धो ले पुत्र। रहने दो बीजी, वो डरती है। बड़ी अजीब बात है, सांस लेने से डरेगी तो जिएगी कैसे? हैं? और तू भी तो सांस ले रहा है ना इस गांव की खुली हवा में, तुझे कभी कोई दिक्कत हुई क्या? ऐसा तो कुछ नहीं। फिर बोल इसे खोल दे। जबकि मुझे तो बीजी बचपन की हवा याद आ गई। इतनी साफ, इतनी निर्मल। चल पुत्र खोल दे, डरने की कोई बात नहीं। खोल दे बीजी, कुछ दिन यहाँ रहेगी तो डर भी निकल जाएगा और मास्क भी। रहने दो जब कह रहे हो। ठीक है, जैसे तुम कहते हो बस। लेकिन बेटा तुम्हें वापस भी तो जाना है, नौकरी है तुम्हारी और फिर वहाँ की स्कूलिंग भी बहुत अच्छी है। कुछ समझ में नहीं आता बाबूजी, क्या हो रहा है? समझना तो उन्हें चाहिए जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार है। प्रॉब्लम तो यह है कि जब तक हमारा कोई अपना इस हादसे का शिकार नहीं हो जाता ना, हम इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ करना तो दूर सोचते तक नहीं। छोड़ो, हाथ मुंह धो लो फिर सैर को चलते हैं। ठीक है बाबूजी। बेटा मैं अक्सर अखबारों में पढ़ता हूँ कि पिछले कुछ सालों से क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन में एक भारी समस्या के रूप में उभर रहा है। ये देखो, 2 साल पहले हमारे गांव के हालात भी कुछ ऐसे ही थे। हम लोग कंबाइन हार्वेस्टर से फसल काटते थे और बचे हुए स्टबल्स यानी ठूंठ को मिट्टी में मिलाने के बजाय खेतों में जला देते थे। पंजाब विच 30 लाख हेक्टेयर खेतर विच झोने की खेती की जाती है। कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा झोने की कटाई करन नाल 100 लाख टन बचे हुए स्टबल्स यानी पराली नूं खेतां विच अग ला दी जाती है जो कि किसान
कणक की बिजाई वेले सिर कर सकन। पराली नूं बालन नाल पैदा होण वाले धुएं नाल कई जहरीली गैसां निकलदियां हन जो मनुख परिंदे चरिंदियां अते वनस्पतियां लई काफ़ी नुकसानदायी हुंदियां हन। नाल ही जमीन की उपजाऊ ताकत भी घट हो जाती है। फिर क्या हुआ? ICR अटारी के बारे में जानते हो ना? लुधियाना के वहां से कुछ वैज्ञानिक आए। भारतीय खेतीबाड़ी खोज परिषद हेठ कार्जी खेतीबाड़ी टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च अदारा लुधियाना जाने अटारी खेतीबाड़ी विज्ञान केंद्र राही पराली नू खेत विच ही सांभ संभाल करन लई वख-वख तरीके दीआं मशीनां दे ट्रायल करके पराली नू खेतां विच ही वरतन दी सिफारिश कर रहा है। मशीनरी जिन्हां दी फसल रहिंद-खूंद प्रबंधन विच वरतों कीती जांदी है। ये है हमारा कृषि विज्ञान केंद्र पटियाला जी। चले आजकल फसल अवशेष प्रबंधन के बहुत सारे इनोवेटिव टूल्स उपलब्ध हैं, जिनके इस्तेमाल से हम बहुत ही आसानी से इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। पर बाबूजी, इन मशीनों का खर्चा तो होगा, किसान इतना पैसा कहाँ से लाएगा? बेटा, सबके फायदे में ही अपना फायदा है, अगर समझेंगे तो खर्च भी करेंगे। बेटा, सरकार भी तो मदद कर रही है इन मशीनों की खरीदारी के लिए। हाँ। केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है किसान और किसान समुदाय को। बहुत ही कम किराए पर ये मशीनें कस्टम हायरिंग सेंटर पर उपलब्ध हैं। अच्छा। अब जब इतना सब कुछ उपलब्ध है तो किसान क्यों ना करे इस्तेमाल। सो तो है, आओ चल। फसल रहन खून के प्रबंधन लिए केंद्रीय अते सूबाई सरकार द्वारा किसानों की खरीद लिए इन उपकरण से 50% ग्रांट उपलब्ध कराई जा रही है। नाल ही किसान गुटों द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने लिए 80% ग्रांट की व्यवस्था की गई है। कंबाइन हार्वेस्टर मशीन के पिछे SMS आला यानी सिस्टम मैनेजमेंट को ला के झोने की कटाई की जाती है। ये आला झोने की पराली नू निक्के निक्के टोटियां विच कट के एक सार खेत विच खिलेर देता है, जिस नाल हैप्पी सीडर की काम करने की क्षमता लगभग 20% बढ़ जाती है। सुपर SMS आला हुण कानूनी तौर पर जरूरी कर दिता गया है। कंबाइन कम सुपर SMS आला इस नाल झोने के खेतों में हैप्पी सीडर द्वारा पराली नू बगैर खेत में जोतिया कणक की बिजाई की जाती है। SMS द्वारा कट्टी पराली के निक्के निक्के टोटे मल्च के रूप में खेत में खिलर जाते हैं, जिस नाल खेत में नमी वाधू अरसे तक बनी रहती है और कणक की फसल में सिंचाई की लोड़ घट पैंदी है। नाल ही नदीन भी घट पैदा होता है। मल्चर या चौपर झोने की पराली को कट के निक्के निक्के टोटे करता है, जिस नाल पराली को बालना नहीं पैंदा। एक होर वाजब मशीन है स्ट्रॉ कटर या स्प्रेडर, जिसनू श्रब मास्टर के नाँ तो भी जाने जाता है। इसके इस्तेमाल नाल तूड़ी नू कट के एक सार बिछा दिता जाता है। रिवर्सेबल प्लॉ जाने उल्टे हल द्वारा फसल रहन खून नू डूंगी जुताई करके मिट्टी विच चंगी तरह दबा दिता जाता है। उस तो बाद रोटावेटर की मदद नाल खेत नू समतल कर दिता जाता है। ICAR अटारी द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए फसल रहन खून प्रबंधन दीयां तकनीकां राही किसानां नू जागरूक कराउण लई 25 अजिहे मॉडल पिंड अते किसानां नू तैयार किया गया। ICAR अटारी द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए फसल रहन खून प्रबंधन दीयां तकनीकां राही किसानां नू जागरूक कराउण लई 25 अजिहे मॉडल पिंड अते किसानां नू तैयार किया गया। अटारी लुधियाना के संयोजन नाल कृषि विज्ञान केंद्र पटिंडा द्वारा हैप्पी सीडर स्ट्रॉ कटर अते स्प्रेडर या श्रब मास्टर दे नाल नाल वेलर तकनीकां नू किसानां नू विखाए गए, जिस नाल किसानां ते सकारात्मक असर पिया। हुण इथों दे किसान तकनीकां राही फसल रहिंद खूंद प्रबंधन कर कणक दी फौरन बिजाई करदे हन। हुण तक कुल 125 हैक्टेयर विच चोने दे रहिंद खूंद नू बालिया बगैर कणक दी फौरन बिजाई की जा चुकी है। कृषि विज्ञान केंद्र ने साडा पिंड अग तो रहत करन वास्ते हैप्पी सीडर दी इत्थे अडॉप्ट कीता है, जिदा कि बहुत वधिया रुझान मिल रहा है। साडे पिंड च इदों पहलां 60 एकड़ की बिजाई हो चुकी है, तो जिवें जिवें बहन खाली हो रहे हैं लोग उस तरह आपकी तैयारी करके उसनों
अगे बीज रहे हैं। पिछले साल हैप्पी सीडर कणक की बिजाई हुई थी, जिसका रिजल्ट बहुत वधिया आया हुआ है। साढ़े पिंड के वी के बठिंडा ने हैप्पी सीडर मुहैया कराया है, जिस दे नाल जे भी किसान नूं लोड़ है वह लैके कणक की बिजाई कर रहे हैं। जिदा बहुत वधिया झाड़ निकलिया, ये समय की बचत भी होंगी है, डीजल की बचत भी होंगी है, इस नाल पानी की बचत बहुत होंगी है, जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, अपने मित्र कीड़े नहीं मरते, इस नाल होर बहुत सारे फायदे हैं जो कि अपने सह लैन दिक्कत आँदी है, उधर प्रदूषण नहीं होगा, सारे फायदा गा। मेरी सारे वीर बेनती है भी हैप्पी सीडर ही बिजाई करो। के वी के फरीदकोट के विज्ञानियों ने पिंडी बलोचन सिंह पिंड जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का मुजाहरा किया। ये बहुत ही असरदाई मशीन है, इस मशीन नाल बगैर खेत नूं जोतिया कणक की सीधी बिजाई की जा सकती है। बिजाई का यह तरीका बीज के बेहतर उगाई विच भी मदद करता है, जिस नाल फसल नरोई अते पैदावार विच भी वाधा होंदा है। पंजाब के संगरूर जिले के मरदखेड़ा पिंड 475 हैक्टेयर खेतर विच झोने अते कणक दीयां फसलां लईयां जांदियां हन। कुछ वरियां पहलां तक इत्थे झोने की फसलों की रहिंद खूंद खेतों में ही बाल दिते जाते सन। अज अटारी लुधियाणा के 343 हैक्टेयर खेतर विच हैप्पी सीडर द्वारा कणक, छोले अते सरों की बिजाई की जा चुकी है। 132 हैक्टेयर खेतर विच रिवर्सेबल प्लॉ अते रोटावेटर द्वारा होरना फसलों का फसल रहिंद खूंद प्रबंधन किया जा रहा है। पंजाब के कपूरथला जिले के एक होर मॉडल पिंड बूलपुर विच कुल खेती काबल जमीन है 240 हैक्टेयर। झोने कणक हेठ कुल खेतर लगभग 96 हैक्टेयर है। इथों की मुख फसल आलू है। इथों के ज्यादातर किसानों द्वारा रिवर्सेबल प्लॉ, डिस्क प्लॉ अते रोटावेटर वगैरह के इस्तेमाल नाल झोने के पुआल नूं जमीन विच मिला के आलू की बिजाई की जा रही है। इस नाल फसल की उपज अते गुणवत्ता दोनों विच वाधा वेख्या जा रहा है। आज जिन्हें भी खेती करते हैं आलू की सारा झोने की पराली जी है वीचे बाह रहे हैं। सामने मल्चर भी चलता है, उल्टावा चलता है, रोटावेटर चलता, तविया सब कुछ चलता है। ये करके सू मतलब जी है साड़ने लोड़ नहीं पैंती। मोगा जिले के एक मॉडल पिंड खोसा पाउदो विच झोने की फसल रहिंद खूंद नूं बगैर बालियां कणक की सीधी बिजाई के नाल नाल बेलर तकनीक द्वारा झोने की फसल रहिंद खूंद का बखूबी प्रबंधन किया जा रहा है। इत्थों के किसानों ने इस टैक्नोलॉजी नूं अपना के हथों हथ अटारी लुधियाना के जतनों नूं एक नवा आयाम दिता है। पिछले कुछ वरिया तो पटियाला के कलर माजरी पिंड पटियाला के वी के द्वारा जीरो रेसी डूए प्रबंधन से कई सारे प्रदर्शन किए गए। इतों के किसानों ने पूरे कलर माजरी पिंड कंबाइन के पिछे सुपर SMS ला के कटाई उपरंत खेतों में हैप्पी सीडर द्वारा कणक की फसल की सीधी बिजाई करके एक नवी मिसाल कायम की। मैं पिछले 5 साल तो हैप्पी सीडर की बिजाई कर रहा, मैनू के वी के पटियाला ने हैप्पी सीडर की बिजाई लिए प्रेरिया से, तो हुण साढ़े पिंड के इस हैप्पी सीडर नूं तरजीह देंदे हन। ये हैप्पी सीडर की बिजाई नाल नदीन भी घट होंदे ने, पानी की भी घट लागत है, खर्चा भी घट ने, तो कणक ढैंदी भी नहीं। अपने चारों तरफ देखो, फर्क अपने आप दिख जाएगा। जीरो रेजिड्यू बर्निंग के लिए जाने जाने वाले 25 गाँव में एक गाँव हमारा भी है, कल्लर माजरी। कृषि विज्ञान केंद्र तरन तारण द्वारा बू हवेलिया पिंड विच फसल रहिंद खूंद प्रबंधन के 13 प्रदर्शन आयोजित किए गए। इस तो प्रेरित होकर बू हवेलिया पिंड के सरदार गुरबचन सिंह जी ने भी फसल रहिंद खूंद प्रबंधन की तकनीक के इस्तेमाल राही कणक, आलू अते मटर वगैरह की बिजाई करन दे नाल नाल पिंड के दूजे किसानों नूं भी इसी तरीके नाल संरक्षण की तकनीक अपनाउण की सलाह दी। अज तरन तारण जिले के 92% खेतर विच हैप्पी सीडर द्वारा बिजाई की जा चुकी है। साढ़े मुल्क के माणयोग प्रधानमंत्री जी अपने मशहूर प्रोग्राम मन की बात विच पंजाब तरन तारण के बू हवेलिया पिंड के सरदार गुरबचन सिंह जी जां पटियाला जिले के कलर माजरी के किसानों की तारीफ करते हैं। उन्होंने पराली विच अग लाण वाले किसानों नूं उन्हां दी राह ते चलन की गुजारिश की। गुरु बचन जी ने दुल्हन के माता पिता से कहा था कि आप मुझे वचन दीजिए
कि अब आप खेत में पराली नहीं जलाएंगे। श्रीमान गुरुबचन सिंह जी के परिवार ने वैसी एक मिसाल हमारे सामने दी है। मैंने पंजाब के एक और गांव कालर माजरा के बारे में पढ़ा है। वहां के लोग धान की पराली जलाने की बजाय उसे जोत कर उसी मिट्टी में मिला देते हैं। उसके लिए जो टेक्नोलॉजी उपयोग में लानी होती है वो जरूर लाते हैं। भाई गुरुबचन सिंह जी को बधाई, कालर माजरा और उन सभी जगहों के लोगों को बधाई जो वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए अपना श्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। झोना कटन तो बाद झोने की पराली नू मल्चिंग करके फिर वो उत्ते MBA प्लटो पलाओ जो असं कृषि विज्ञान केंद्र बूह तो लैके आए सू मशीनरी इन्ना मुहैया कराई वो असं जमीन पलटा के उपर रोटावेटर नाल पैली नू वाह के सुहागा दे के ते असी मटर की बिजाई की आ जो सानू पहले बीजा मटर के नालों लोगों के बीजा मटर के नालों सानू बहुत वधिया लगती भावें साडी मटर की खेती जिहड़ी साढ़े वास्ते नवी है फिर भी असी ये हवा पानी ते धरती नू बचाउण दे उद्देश नू इस लैवल ते भी लैके संतुष्ट हैं। होरना जिमीदार भरावां नू बेनती करदे आ जो सब्जी बीजनी आ वो सब्जी बीजन वास्ते भी जमीन नू अग ना लाई जावे ता कि वातावरण होर बचाया जा सके। अरे पूरे इलाके में ढेर सारे जागरूकता अभियानों के आयोजन किए गए। लोग समझ रहे थे, आ रहे थे इन प्रोग्राम से। हाँ, बच्चों ने तो हमारा बहुत साथ दिया। अच्छा, बच्चों ने रैलीज निकाली, पोस्टर और स्लोगन कंपटीशन किए गए। वाह। हाँ, और मेले और प्रदर्शनी भी लगाई गई। अच्छा, और धर्म गुरुओं ने साथ संगत में इस समस्या में एकजुट रहने के लिए कहा। इससे किसानों पर बहुत अच्छा असर हुआ, उन्होंने पराली जलाना बिल्कुल बंद कर दिया। मोगा जिले के स्कूलों में फसल रहिंद खूंद प्रबंधन के समर्थन में इतों के स्कूली बच्चों ने रैली कढ़ी और स्लोगन पोस्टर वगैरह के जरिए किसानों की जागरूकता बधाई। धार्मिक गुरुओं ने भी इस मुहिम को अगे बधाया। किसानों नू फसल रहिंद खूंद प्रबंधन दी तकनीकों नू अपनाने लई खास मुहिम चलाई गई जिथे टीवी रेडियो ते विज्ञापन चलाए गए। उठे ही टीवी ते बहस प्रोग्रामा राही कैंपेन नू अगे वधाया गया। पिंड कस्बियां अते रोडवेज दियां बसां ते टेरा टेर सुनेहियां नू प्रचारित कीता गया। अजिहे कई सारे सुनेहे होर भी कई थावां ते भी लाए गए जिवें के बस स्टॉप, स्कूल, पंचायत भवन, तां जो इस प्रोग्राम दा सुनेहा हर एक आदमी तक आसानी नाल पुज सके। वड्डे पद्धर ते जागरूकता वधाउण लई नेम नाल किसान मेलियां दा आयोजन कीता गया जिवें कि KVK नूर महल जलंधर द्वारा आयोजित मेला अते चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी द्वारा रबी कृषि मेला जो हिसार विच आयोजित कीता गया। इस मेले विच फसल रहिंद खूंद प्रबंधन मशीनरी नू भारत सरकार दे नुमाइंदियां द्वारा हरी झंडी विखा के किसानां नू समर्पित कीता गया। इन्हां मेलियां विच किसानों ने नवीं तकनीकां नू जानण अते मशीनरी के इस्तेमाल नू लैके दिलचस्पी विखाई। इन्हां मेलियां विच टेक्नोलॉजी, सांझेदारी अते तजर्बे का एक अनोखा संगम वेखण नू मिलिया जिसकी मदद नाल तकनीक प्रयोगशाला तो जमीन ते उतर आई। इत्थे ही वातावरणविद संत बलबीर सिंह सीचेवाल दे भाषण ने स्रोतियां दा दिल जीत लिया कि इह पराली नू जे तुसीं खेतां दे विच रलाओगे खेतों के गलूगी तो ये नाल धरती की उपजाऊ शक्ति वधी है तो हवा नू वातावरण नू शुद्ध रखने वास्ते गुरु नानक पातशाह दे उन्हां अमर प्रवचना ते अमल करिए ते असीं भी तंदुरुस्त रहांगे ते साडियां आने वाली पीढ़ियां भी तंदुरुस्त रहनगियां। लगातार कैंपेन का सकारात्मक फल दिसन लग पिया है। कृषि विज्ञान केंद्रां द्वारा पूरे पंजाब सूबे विच फील्ड डे जा कनक कटाई दिहाड़ जने वीट हार्वेस्टिंग डे मनाए गए ता जो वध तो वध किसानां नू फसल रहिंद खूंद प्रबंधन दियां तकनीकां अपनाउण लई प्रेरित कीता जा सके। अज अटारी लुधियाना द्वारा चुने गए सारे 25 आदर्श पिंडां विच इस फसल रहिंद खूंद प्रबंधन तकनीक नू बखूबी अपनाया जा रहा है। इस नाल पक्के तौर ते उत्तरी भारत विच स्थित सूबियां विच वातावरण प्रदूषण दी औख हल होवेगी अते किसानां नू घट लागत ते वध आमदन होवेगी जिस नाल साडे देश दे किसानां दी आमदन 2022 तक दूनी करन दा साडे प्रधानमंत्री जी दा सुपना जरूर सच होएगा। ये हुई ना बात।
ऐसा लगता है जैसे बदली से चांद निकल आया हो। आजा बैठ। हाँ बेटा, खुली हवा में सांस लो, ये तुम्हारा अधिकार है। हाँ बेटा, हमें ही इस अधिकार को सुनिश्चित करना है। हर बच्चे का अधिकार है साफ सुथरी हवा। आपने तो मेरे सोचने का अंदाज ही बदल डाला। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया हम सब ने मिलकर किया और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। बिल्कुल। अरे मुन्नी, दादाजी को गाना नहीं सुनाओगी? दादाजी आपका अच्छा गाना सुना। थोड़ा सा आसमां, थोड़ा सा आसमां, थोड़ा सा आसमां। हर कोई ढूंढता है थोड़ा सा आसमां, जहां भर की खुशियां हमको पाना है। यहां हंसता हुआ है हर मंजर और सच्चा हर इंसान, हर कोई चाह।